आज के दिन के पंगे की शुरुआत देखें जरा। पटना पायरेट्स की पहली रेड जो सचिन तंवर करने के लिए आए हैं। मोनू गोयत ने कहा था आज कि ज्यादा से ज्यादा रेड सचिन तंवर से कराएंगे क्योंकि तेज है, दुरुस्त है। देखे जरा पिछले तीन सीजन में 159, 190 और 84 स्तर जरूर थोड़ा सा कम हुआ रेड पॉइंट्स का सातवें सीजन में, लेकिन इस बार अच्छे रिदम में लग रहे हैं। और शुरुआत भी बुरी नहीं हुई है सचिन की। राहुल चौधरी 962 रेड पॉइंट, नाम बड़ा, औदा बड़ा, रेडर बड़ा, लेकिन पिछले दो सीजन में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता। कारण ये डिफेंस किसी ना किसी तरीके से रोक ही लेता है इनको। मोनू गोयत ये बहुत बहुत तेज है, जब इनका दिन होता है तो इन्हें रोकना नामुमकिन होता है। और पहले पटना के साथ खेल चुके हैं सीजन चार में, प्रदीप के सपोर्ट, सिंगल थाई होल्ड, सपोर्ट आया, हाथ पकड़ लिया गया, मोनू बाहर जाएंगे। ये है संगठन वाला डिफेंस। सुपर टैकल परिस्थिति पटना पायरेट्स के लिए, दो पॉइंट अपने नाम करना चाहेंगे। मोहित गोयत बिल्कुल बाहर जाएंगे। सुपर टैकल, दो पॉइंट्स। फाइनली पटना पायरेट्स का डिफेंस जागा है, इससे पहले एक ही कामयाब टैकल था। पहला हाफ तो टाई पे ही समाप्त हुआ है। पुनेरी पलटन के पास एक समय बड़ी लीड थी, ऑल आउट दे सकते थे पटना को। पटना ने ऑल आउट बचाया और उल्टा पुनेरी पलटन को ऑल आउट की तरफ धकेल दिया है। मोहित गोयत आए हैं सब्स्टिट्यूट और इन पर जिम्मेदारी है टच पॉइंट लेने की। टच पॉइंट जो आपने कहा है ना, इसने टच कर दिया है मोहम्मद रिजा को। ईरानियन इन एक्शन। असलम है या शुभम है, देखिए जरा किस तरह से। क्या ये सुपर रेड है आज की पहली? सचिन तंवर जबरदस्त, दो पॉइंट दिए हैं अंपायर ने। डिफेंस जो है वो ऑफेंसिव रुख एक्सपीआर करेगा, यानी विरोधी रेडर्स को आप अटैक करेंगे। 10 पॉइंट की लीड काटनी है, ओ तो इसमें रिस्क भी होता है। पीके ने दो पॉइंट लाए, दो पॉइंट्स पट्टा पायरेट्स, बिल्कुल दो पॉइंट पट्टा पायरेट्स के नाम। सचिन तंवर की रेड आज 9 रेड पॉइंट अपने नाम किए हैं, केवल एक पॉइंट दूर है डुअल डाई रेड भी, सुपर टैकल भी, और दो पॉइंट बिल्कुल मिलेंगे पुरानी पलटन के डिफेंस को। एक बात देखनी है, डिफेंडर बैक लाइन के बाहर कब गया, क्योंकि एक डिफेंडर का पैर बैक लाइन के पीछे था। सुपर टैकल, टू पॉइंट्स पुनेरी पलटन, उसे ठीक माना गया और पुनेरी पलटन के लिए ये स्वागत योग्य सुपर टैकल है। पटना पायरेट्स पिछले मैच में यूपी से एक पॉइंट से हारी थी, लेकिन यहां बड़े मार्जिन से 12 पॉइंट से पुनेरी पलटन को हराया है।